हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 11:04 हो गए हैं। इतना लेट हो गया ना, और बच्चों के हॉलीडे हो गए हैं शुरू, और ये आजकल घर में ना तो कुछ भी काम मतलब टाइम पे नहीं होता है। तो नाश्ता वास्ता हो गया है और अभी तक मैंने पोछा नहीं लगाया मॉर्निंग में। एक मिनट रुको बेटा, उठते एक बार सुबह झाड़ू लगाया था, फिर दोबारा से ऐसे ही लग रहा मुझे कि गंदा सा लग रहा है, फिर दोबारा झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाऊंगी। किचन में तो मैंने कर लिया है पूरी सफाई, झाड़ू पोछा नाश्ता के बर्तन वगैरह, और अभी बाकी का ऐसे है। और रात से बारिश हो रही थी, सुबह तक खूब जम के बारिश हुई, तो मौसम अच्छा हो गया है। इस वाले में तो इन्होंने हल्का सा फैन चला रखा है, लेकिन दूसरे वाले में हमने रात को ही बंद कर दिया था, और मौसम बहुत अच्छा हो गया सच में। इनकी चल रही है पढ़ाई, तो मैं बीच बीच में इसको भी देख रही थी ना, इसीलिए जब लिख लेगी तब बताना। तो चलिए फिर बाद में बातें करूँगी, पहले मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। किचन का तो मेरा पूरा हो गया। ये देखिए, जब परसों तबीयत ख़राब हो गई थी तो एक मैं ये लाई थी पीने वाली, बस इससे एक ही दिन पिया था मैंने 3 टाइम, और वैसी है ये बोतल। दवाइयाँ मैं बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगती, फालतू में गई। और जो टैबलेट हैं वो भी ऐसी हैं। यहाँ तो पोछा भी लग गया है मेरा पूरा पूरा, मतलब किचन क्लीन हो गया है। ये पानी का मैंने ऐसे कर रखा, जो ये आरो का है ना, ये फालतू में जाता है तो यहाँ डाल रखा था, तो इससे बढ़िया मैंने कहा मैं ये जो डब्बे हैं ना पानी के, जब नहीं था आरो तो ये वाला हम लेके आते थे और इसको पीते थे या तो उबालते थे, तो मैं इसमें डाल देती हूँ तो ये भर जाता है और इसको हम यूज कर सकते हैं कपड़े धोने में या किसी और काम में, इस पानी को यूज कर सकते हैं। और यहाँ डाला था तो इस पानी ने फालतू में ही बर्बाद होना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे डब्बे रख देती हूँ, इसके अंदर इसको डाल देती हूँ तो ये भर जाता है। ये वाला भी भर गया है, और दूसरा ये है यहाँ पे, ये भी कल रात को भर गया था। इसे मैं आराम से पोछा लगाऊँ या कपड़े धोऊँ, कुछ भी क्लीनिंग के काम इससे कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स, झाड़ू मैंने लगा लिया था, 2 बार का इस टाइम मेरा लग गया था। किचन की मैंने क्लीनिंग पहले ही कर दी थी, अब मैं इस वाले रूम में पोछा लगा के आ गई थी बाहर, उसके बाद दूसरे रूम में लगाऊंगी, फिर यहाँ पे लगाऊंगी बाहर वाले में, उसके बाद जिन्ना में भी लगाना है। बहुत सारे काम हो जाते हैं और मॉर्निंग का जो टाइम है ना बहुत बिजी होता है। ये होता है कि बच्चे लोग स्कूल चले जाते तो फटाफट से काम हो जाते हैं, आजकल घर में हैं तो मतलब काम बढ़ते जाते हैं, जल्दी भी नहीं हो पाता। और एक तो हम खुद ही सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो एक चिंता होती है कि भाई जल्दी जाना, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना, नाश्ता बनाना, उनको तैयार करना। तो और अब जैसे घर में है तो थोड़ा आलस करते, कोई नहीं थोड़ी देर में उठेंगे, तो अगर जितने देर उठेंगे तो उतने काम भी ही लेट ही होंगे। तो ऐसे ही हो रहा है इस टाइम पे, देखो कितने लेट मेरा पोछा लग रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ना बैठ के पोछा लगाना, ऐसे मुझे ये लगता है कि अच्छे से क्लीन हो गया फर्श बिल्कुल। तो इस वाले रूम से मैं आ गई हूँ बाहर, अब चलती हूँ मैं पोछा लगाने के लिए दूसरे वाले रूम में। और गाइस, यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मैं आ गई थी यहाँ पोछा लगाने के लिए। यहाँ ना दोनों जो ये इनके बेड हैं, इसके नीचे कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं बच्चे, कभी पेन पेंसिल पुरानी कॉपी, जब भी मैं आती हूँ तो कुछ ना कुछ फेंका हुआ मिलता है, और इसमें ज़्यादा टाइम जाता है समेटने में। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ गिरा रखा था इन लोगों ने, पता नहीं क्या गिरा हुआ था, तो उससे मैं अच्छे से रगड़ के साफ कर रही थी। और इस तरह से बेड के नीचे घुस के जो टेबल है उसके नीचे अच्छे से पोछा लगाना पड़ता है। तो चलो कोई नहीं, वैसे तो योगा करने का टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है एक्सरसाइज करने का टाइम, पर यही हम जो घर के काम काज करते हैं उस इसी में अपनी एक्सरसाइज हो जाती है। और पीहू के साथ मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था ना सुबह, इसलिए घर के काम लेट हो रहे थे, उसे कुछ याद करने के लिए दे रखा था तो वो बार बार आ रही थी पूछने के लिए। तो अंदर तो पूरा लग गया था मेरा पोछा, मैंने उसकी पूरी वीडियो नहीं बनाई, अभी मैं बाहर जीने में आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को ही बोला था थोड़ा सा आवाज़ लगाई कि थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर दो, और
बच्चे सही से नहीं बनाते हैं तो बच्चों की आदत है, तो इसलिए जो है कैमरा ज़्यादा खेलता रहता है, जब भी आपको दिखता है तो यही वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे भी मतलब डेली ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, जैसे बारिश होगी तो कीचड़ के पाँव छिपे वगैरह ना, तो बहुत गंदा लगता है, तो यहाँ पे पोछा लगाना पड़ता है। तो इसके बाद मैं ऊपर वाले जीने में लगाऊंगी, ऊपर जहाँ छत में जाने के लिए है, तो पहले इसमें लगा लूँगी। तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हो जाता है क्लीनिंग के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम चले जाते हैं, और फिर थोड़ी देर में ऐसे ही कर लेते हैं बच्चे। बच्चे होते हैं ऐसे हैं, बच्चे गंदे नहीं करेंगे तो क्या बड़े लोग करेंगे, तो कोई बात नहीं, अगर बच्चों को बोलो तो काम भी कर लेते हैं, मेरे साथ हेल्प भी कर देते हैं अगर बोलो, मन में है तो, मन में नहीं है तो कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पूरा पोछा लग जाएगा, फिर मैं ऊपर की जीने में लगाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पे अच्छे से हो गई है क्लीनिंग। रात को भी खूब अच्छी बारिश हुई, जम के बारिश हुई, और आज ना पंखा चलाने की भी जरूरत नहीं है, आज खूब ठंडा ठंडा सा लग रहा है सच में, इसीलिए पंखा भी नहीं चलाया। और जो हमने खिड़कियाँ खोल रखी थी ना, वो भी शीशे बंद कर लिए थे, सुबह के टाइम में ही बहुत ठंडी हवा आई थी, पीयू तो उठते ही बोलने लगी मुझे गर्म कपड़े पहनाओ, फिर सच में उसने खुद ही अपनी जो है ना फुल बाजू का टॉप पैंट पहनी उसने, पहले हल्के फुल्के पहन रखे थे, तो उठते ही उसे ठंड हो रही थी। जब मैं उठी तो गई मैं इनके कमरे में, तो पीहू ने जो है टावल ओढ़ रखा था, क्योंकि उसे चादर वगैरह कुछ मिला नहीं, पंखा तेज कर रखा होगा तो उसने टावल ओढ़ रखा था। तो यहाँ देखो मैं सबसे ऊपर की सीढ़ियों से आ गई हूँ पोछा लगा के, बस लास्ट में यही था। उसके बाद नहाना, फिर कपड़े धोना, मतलब ऐसे ही हो जाता है, पूरे दिन का पता ही नहीं चलता है। ये देखिए बाहर का व्यू, ये पीहू नहीं प्राप्ति बना रही थी शायद यहाँ पे वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा आप आगे वीडियो में। और यहाँ पे मैंने वो चावल ऐसे ही रखे थे, तो मैं उनको साफ कर रही थी जो गांव से आए थे, और ये सूट आई थी गांव से, जहाँ ये शादी में गई थी ना, तो मेरी मतलब जो चाची सास है उन्होंने दी है, उनके बेटे की शादी थी, तो ये मैं देख रही थी उस टाइम सूट कि कैसी है खोल के, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। ये उसी दिन की वीडियो है जो मैंने परसों डाली थी, तो शायद ये वाली रह गई थी, मैंने उस वाली वीडियो में ऐड नहीं की थी, तो शायद नहीं की मैंने उस वाली में ऐड। तो यहाँ पे खा रहे थे बच्चे लोग अरसे, जो कि गढ़वाल की मिठाई होती है, शादी में खास तौर से बनाए जाते हैं अरसे, तो अरसे आए थे ये लोग यहाँ पे खा रहे थे, और मैं देख रही थी अपनी सूट, चावल मैंने छानने के लिए ऐसे रखे थे। और गाइज अभी 12 बज के हो रहे हैं 23 मिनट, यानी कि 12:30 होने वाले हैं। और इसकी नौटंकी देखो, अब ना लर्न कर ले जो मैंने दे रखा है। और मैं अभी आई हूँ नहा के, बाकी के काम हो गए हैं, और अभी ना जो प्राप्ति नहा रही है और हम नहाए, तो मैंने सारे कपड़े भी ऐसे रखे हैं बाथरूम में। वैसे मौसम आज ठीक नहीं है, लग रहा है कि फिर दोबारा से बारिश आएगी, लेकिन कपड़े मैं धो दूंगी, देखती हूँ थोड़ा बहुत हवा से सूख जाएंगी, बाद में मैं अंदर ही फैला लूंगी। अभी कपड़े धोने हैं और उसके बाद अभी पता नहीं क्या बनाऊंगी खाने में। खाने की भी सच में ना बहुत बड़ी टेंशन है, रहता है कि दाल बनाएं कौन सी दाल बनाएं, सब्जी बनाएं कौन सी सब्जी बनाएं। अपना काम करो ना, चलो। ये लड़की ना जब से छुट्टियां आए ना फ्रेंड्स, तब से मेरा ऐसे हो रहा है। ये टाइम हो गया देखो, 12:30 होने वाली है, अभी तक मेरा मतलब मॉर्निंग का जो काम होता है वही फिनिश नहीं हुआ, अभी कपड़े धोने को बाकी हैं। तो ये घर में रहते हैं ना तो ऐसे ही होता है, जब स्कूल रहते थे तो जिससे छुट्टी का टाइम होता उससे पहले जब मैं लेने जाती थी तब तक मेरा काम लगभग हो ही जाता था पूरा। तो अभी प्राप्ति नहा रहे, उसके बाद फटाफट मैं कपड़े खंगालूंगी, एक एक जोड़ी है सबकी, बाकी ज़्यादा कपड़े तो नहीं धो लूँगी आज। उसके बाद अभी खाना बनाना, सच में ना आजकल काम पता नहीं क्यों इतना बढ़ रहा है। और ठीक है आप अपना लर्न करो, तो चलिए चलती हूँ, जब तक वो नहा रही तब तक मैं किचन में कुछ देखती हूँ, सोचती हूँ कुछ बनाने के बारे में, सब्जी क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। चलती हूँ मैं तब तक, और फिर
फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग ना कितनी भी छोटी वीडियो बनाओ आप फुल वॉच नहीं करते हो, इसलिए मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड कर लेती हूँ। मिलेंगे जल्द ही एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।